ప్రధాని మోదీపై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు జనసూరజ్ వ్యవస్థాపకులు ప్రశాంత్ కిషోర్ మూడోసారి అధికారంలోకి వచ్చాక మోదీ కనిపిస్తున్నారని తెలిపారు ఇక పోలిస్తే పాపులారిటీ బలం రాష్టాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఫలితాలు బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా వస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం స్థిరత్వంపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయని తెలిపారు ఒకవేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం బాగా పనిచేస్తే మోదీ పాపులారిటీ బీజేపీ బలం మంచిగానే ఉంటుందన్నారు ప్రశాంత్ కిషోర్ तीसरे टर्म में कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं ये तो आपको दिख ही रहा है लेकिन हमने तो इलेक्शन से पहले ये बात कहा कि सीटों का नंबर कुछ भी हो तीसरा टर्म जो मोदी का होगा वो उस तीसरे टर्म में वो कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित होंगे क्योंकि जमीन पर लोगों ने दस साल बारह साल मोदी जी का कार्यक्रम देख लिया उनका प्रयास देख लिया उन, उन उसका असर देख लिया आप बिहार को देख लीजिए बिहार की जनता ने दो में मोदी जी को तीस से ज़्यादा सीट भाजपा को दिया 2019 में उनचालीस सीट दी इस बार भी तीस से ज़्यादा सीट ये लोग जीते हैं लेकिन बिहार के लोगों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया क्या बिहार के बच्चों की स्थिति सुधर गई क्या बिहार में नए उद्योग लग गए क्या बिहार के बच्चों का पलायन रुक गया और अगर ये नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर आज जितने लोग मोदी जी के फैन थे जितने लोग मोदी जी के समर्थक वोटर दो हज़ार में थे वो तो आज कमी होगी होगी और लोकतंत्र में लीडर की जो ताकत है वो ताकत क्या है जनता का सपोर्ट तो अगर जनता का सपोर्ट कम हुआ है तो प्रधानमंत्री रहें या सांसद रहें या विधायक हों या मुखिया हों उनका ताकत तो कम होगा ही होगा देखिए एलाइज रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो एलाइज को पता है उनको पता है इतना स्पष्ट है कि मोदी जी और ये जो सरकार है ये इनकी लोकप्रियता इनकी ताकत कम हुई है और आगे की लॉन्जिबिटी इस पर डिपेंड करेगी कि आने वाले दो ढाई साल में जो नौ राज्यों के चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर दिल्ली हरियाणा महाराष्ट्र झारखंड बिहार बंगाल, असम और तमिलनाडु इन राज्यों के चुनाव के परिणाम अगर बीजेपी के खिलाफ हुए तो निश्चित तौर पर सरकार की स्थिरता को लेकर सवाल उठेंगे अगर इन राज्यों में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उनकी ताकत बनी रहेगी